2019 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए आज जालंधर के नकोदर और गोराया में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल द्वारा वर्कर्स में जोश भरने के लिए वर्कर मिलनी के दौरान संबोधित किया गया। इस मौके पर पार्टी वर्कर्स की समस्याओं को सुना गया। इस मौके पर सुखबीर बादल ने कहा कि 2 साल पहले पंजाब में गलत वायदे करके सत्ता में आ गए और अकाली दल के बारे में दुष्प्रचार किया, लेकिन आज कांग्रेस की बातें गलत साबित हुई हैं। सुखबीर बादल ने कहा कि सूबे में जो भी बड़ी उपलब्धियां हैं वो अकाली भाजपा के समय में हुई थी। वहीं इस मौके पर सुखबीर बादल ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा आम लोगों को दी हुई सहूलतों को खत्म किया जा रहा है और शिरोमणि अकाली दल के वर्कर्स पर गलत तरीके से पर्चे किए जा रहे हैं। हुक्म सर, पाकिस्तान के रेल मंत्री ने क्या कहना चाहिए, वो तैयार है कि भारत सरकार तैयार है? आ जड़े चीजा होनी है, आ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल ते डिस्कशन होगी। सो जे प्रपोजल आंदा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बड़ी पॉजिटिव है, सारा कुछ ही गवर्नमेंट पहले भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर होया सी, तो हुण भी होगा, तो मैं लगता कोई मुश्किल नहीं। इसे दोनों कंट्री एग्री करते हैं टेक्निकली देख के, वो तो जरूर करा, आप जल्दी तो जल्दी कोरीडोर खुलना चाहिए। मैं उही कहना चाहना कि पुलिस नू प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, SIT नू पोलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जदों तक हले तक जी उन्हें रेपूटेशन है भावें सरकार की, वो इंट्रस्टिड दोषियों नू नहीं, वो इंट्रस्टिड पॉलिटिक्स कर रहे। रणजीत सिंह कमीशन जी रिपोर्ट बनाई सी वो भी पोलिटिकल सी, तो मैं बेनती करता SIT नू कि पोलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए। जिहड़ी प्रेशर जिहड़ा कौन मेन इंटरेस्ट कांग्रेस गवर्नमेंट का पॉलिटिक्स करना, सो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जिहड़ी एडी एडी जिहड़ी दुखदाई घटना नू पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। पहली गल है, मैं तुम्हें एक गल दसा, SGPC इलेक्टेड बॉडी है, हर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे है, आज जिहड़े बोलते हैं वो हर 5 साल अपनी वोटा अपने कैंडिडेट बनते हैं, जो कैंडिडेट बनते हैं सिख कौम उन्होंने उन्होंने जमानत जब्त कर दी है। सो फ्रस्ट्रेटेड लोग है, जिनी वधिया मैनेजमेंट चल रही है, SGPC मैंबर चलाउंदे है ते उहदी ओ जिहड़ा उन्हां दा हाउस है। सर, साहब एक पिछले दिन Amazon ते दरबार साहब दी फोटो लगी सी ते अज Flipkart जिहड़ियां ऑनलाइन शॉपिंग साइटां हैगियां आई Flipkart ते फोटो आई। अब बड़ी दुखदाई कहना, पिछली बार जिहड़ी लगी सी वी स्ट्रांगली कंडेम इट, एंड मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नू रिक्वेस्ट करूंगा कि दे शुड टेक इट अप एंड स्पेशल मे बी अ केस शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट दैम फॉर जो मिस यूज ऑफ द जे कर रहे हैं, प्लस सेंटीमेंट्स रिलीजियस सेंटीमेंट नू हर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं उन्होंने गल की है कि हर दूजी सूबे की सरकार उन्होंने अपनी लिस्टा भेजनिया शुरू करती हैं किसानों की, पंजाब सरकार कल्ली सरकार है जिहड़े लिस्ट भेजन नू जान के डिले कर रही है। थोनू पता होना चाहिए कि पूरे देश में मोदी साहब ने मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम लियांदी है 5 लाख रुपये की, जिते हर गरीब नू हर सिटीजन 5 लाख रुपये साल की फ्री मेडिकल एक्सपेंस है। कल्ला पंजाब है जिते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार ने वो लागू नहीं की, एडा वड्डा पंजाब के गरीब नाल नुकसान है कि पंजाब का गरीब ही कला है जिहड़ा वो फायदा नहीं लै सकिया, क्योंकि मोदी साहब ने सारे स्टेटां च लागू कर दिती है। वो तो हुण उस लेवल की गल है। दूजी गल मैं कहना चाहना, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जिहड़ी MSP डिकलेयर की सी, जिहड़ी MSP डिकलेयर की सी उस MSP उन्होंने अपना एक फंड क्रिएट किया 15-20 हज़ार करोड़ का, कि स्टेट गवर्नमेंट्स उस MSP ते खरीदन, या जिथे जे फॉर एग्जाम्पल मार्केट रेट ना जो घट है, जिमें मक्की है जे MSP और 1600 रुपये जे 1200 की खरीद लेंदे है, बाकी जो गैप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूगी। तुसी देख लो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सारी सरकारां ने सारी परचेज MSP ते दे रही है किसानों नू, जो गैप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह इन्ना सुत्ता पिया है कि उन्हें अपने किसानों की परवाह ही नहीं, जिहड़ी परचेज उन्हें की नहीं,
इस करके लोगों तो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो लै नहीं सकता पैसा, तो पंजाब का किसान का नुकसान हो गया। तुम देख लो अमृतसर रेल हादसा इन्ना भयानक हादसा होया, इन्ने लोग मारे गए हैं, एक दोषी नूं सजा नहीं मिली। उदों कहिंदे सी साडे परिवार है, साडे परिवार बनावांगे, मौका अडोप्ट कीते है, ते हुण जदों टाइम टप गया वो बेचारे दी मैडिकल भी नहीं, नौकरी भी नहीं, कुछ भी जो प्रोमिस कीता सी कुछ नहीं। आ जिहड़ी सरकार है ये तो माड़ी सरकार पंजाब की कोई हो नहीं सकती। कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्गा निकम्मा मुख्यमंत्री पंजाब का हो नहीं सकता। ऐसा मुख्यमंत्री है जिन्हों कोई परवाह नहीं, कोई दुख दर्द पंजाब की जनता का नहीं। सरकार ने तो सारा कुछ ही बंद करता है, तुम आप जानते हो ना कोई गरीब को सहूलत मिल रही है, ना किसान नूं मिल रही है, ना जो डिवेलपमेंट के काम असीं कीते सी वो सारे बंद कर दिते। सर एक कैबिनेट मंत्री धर्मसोत जी नूं अपना बयान दिता गया कि पूरे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश नूं धोखा दिता है। चलो मैं ये छोटी गल्ल सुन। सर भारतीय जनता पार्टी नाल अपना किन्ना जोर आ ते थोड़ी जी गल्लां विच आ रही कोई तुसी ज्यादा करदे हो, असी नहीं करदे।